कारी साहब कबीला देखिए बिल्कुल ताज़ा कलाम पढ़ रहा हूँ, मुलाहिज़ा करें, सुने सुने। कुकुर तेरी मौत के लिए थोड़ा सा बेदार हो जाओ भैया, कैमरा घुमा देना, इन्हीं की तरफ कैमरा कर देना, मेरी हमको तो रोज देखते हैं लोग, की तरफ कर देना थोड़ा सा। मैं चाहता हूँ उनकी दाद मिल जाए बस। कुकुर तेरी मौत के लिए, कुकुर तेरी मौत के लिए आज भी हसन हुसैन है। कुकुर तेरी मौत के लिए आज भी हसन हुसैन है। कुकुर तेरी मौत के लिए आज भी हसन हुसैन है। कुकुर तेरी मौत के लिए आज भी हसन हुसैन है। आज भी हसन हुसैन है। और तीर की तेरे जवाब में रोशनी हसन हुसैन है। तीर की तेरे जवाब में रोशनी हसन हुसैन है। तीर की तेरे जवाब में रोशनी हसन हुसैन है। इससे अच्छा नहीं सुना जा सकता। जितना अच्छा आप सुन रहे, मुबारकबाद पेश करता हूँ। और थोड़ा सा मेरे थोड़ा अच्छा सुनिए, थोड़ा सा पीछे वाले जरा सा जो है अपनी जैकेटों से हाथ निकाल ले और थोड़ा मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह, हाथ उठा के मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। आज एक बात बता दूं, एक शेर पढ़ूंगा लेकिन उसको लास्ट में कर देता हूं, इसलिए हमेशा अच्छी चीज बाद में दिखाई जाती है। जी हां, बात समझ रहे। कुरैशियों का भी यही माहौल होता है, सब पहले जो है उल्टा सीधा सब दे देते हैं, बहुत अच्छा गोश्त बाद में बचता है। सुनो एक 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 शेर में पढ़ू लेकिन सबसे लास्ट में पढ़ूंगा। एक शेर बिल्कुल ताजा का है, मुलायजा करें, सुने सुने। एक लफ्ज बताते, लफ्ज होता है नखल, जिसके दरख्त के माने आते हैं। नखल यानी जो दरख्त होता है, जैसे किसी कोई सा भी दरख्त है ना, पेड़ है, तो उसको सुनो सुनो मुलायजा करें। तीर की तेरे जवाब में रोशनी हसन हुसैन है। नखल दीन गर है मुस्तफा, जरा बोल दो यार, जरा बोल दो। नखल दीन गर है मुस्तफा, नखल यानी दीन का पेड़ जो है वो मेरे मुस्तफा है। सुना नखल दीन गर है मुस्तफा, 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 नखल दीन गर है मुस्तफा। और शाख उसकी मुर्तजा, नखल दीन गर है मुस्तफा, और शाख उसकी मुर्तजा, नखल दीन गर है मुस्तफा, और उसकी शाख मुर्तजा, और उसकी शाख मुर्तजा, पत्तियां हैं उसकी फातिमा, पत्तियां हैं उसकी फातिमा, और कली हसन हुसैन है। पत्तियां उसकी नारे तकबीर,
जश्न ईद मिलादुन नबी नारे तकबीर नारे रिसालत। हाँ अभी एक बात बताई जाएगी कि हम लोग मातम क्यों नहीं करते और वो लोग क्यों करते हैं, आज इसका खुलासा। हकीकत में मैंने बहुत सफर किया बरेली बाराबंकी से नैनीताल के सफर में ये कलाम हुआ था और एक मतलब तीन शेर हुए थे। मैं चाहता हूँ कि वही पेश कर रहा हूँ क्योंकि रदीफ ऐसी है और इसका काफी ऐसे हैं कि बहुत से शेर बहुत बहुत मान के चले कि 10-12 दिन में ये कलाम मुकम्मल होगा। हम रोज एक दो शेर कह लेते हैं और उसके बाद जो होता है वो आपकी समातों के समातों की अदालत में रख देते हैं। आप बहुत अच्छी तरीके से सुन लेते हैं वो और भी अच्छा हो जाता है। आप सुने एक शेर सुने मुलायजा करें। मातम क्यों नहीं करते ये सुनो, खुदा की कसम सारे लोग खड़े हो जाएंगे और ये यूट्यूब गवाह होगा कि किस बात पूरी दुनिया तक के पहुंच गई। हेलो 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 क्या बात, पतियां हैं उसकी फातिमा और कली हसन हुसैन है। पतियां मेरे हाथ का इशारा देख के आप अपने हाथों को लहरा दिया करें जरा हवाओं में। पतियां है उसकी फातिमा और कली हसन हुसैन है। सुने अपना हाथ अपने सीने पे, अपना हाथ अपने सीने पे, इसलिए मैं मारता नहीं। अपना हाथ बात अगर दिल को छू जाए तो खड़े हो जाइएगा सुभान अल्लाह कहने के लिए, खड़े हो के बात दे दीजिएगा कि अपना हाथ अपने सीने पे, इसलिए मैं मारता नहीं, इसलिए मैं मारता नहीं, क्योंकि मेरे दिल में जलवा गए हर घड़ी हसन हुसैन है। क्योंकि मेरे क्योंकि मेरे दिल में जलवा गर जलवा गर, क्योंकि मेरे दिल में जलवा गर आज भी हसन हुसैन है। अपने हाथ अपना हाथ अपने सीने पे, इसलिए मैं मारता नहीं, इसलिए मैं मारता नहीं, क्योंकि मेरे दिल में जलवा गर आज भी हसन हुसैन है। जियो 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 जियो। क्या सुन रहे हैं यार, सुन रहे हैं 20,000 नहीं 50,000 नहीं 1,00,000 के मजमे में ये भारी भारी इतना अच्छा सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा कोई नारा बुलंद करें, नारा बुलंद कर दे कोई, है कोई आशिक हुसैन नारा बुलंद कर। क्या बात है, खड़े हो गए खड़े हो गए खड़े हो गए, क्या बात। अब एक शेर पढ़ता हूँ, अभी तक के मैंने कोई आपसे तकादा नहीं किया है ना, है ना। इस महफिल रसूल में, इस जिक्र हुसैन में, इस महफिल अली में, है ना, है ना,
कोई ऐसा भी अल्लाह का बंदा होगा कि जो 1000 रुपए मस्जिद अल्लाह के घर के लिए यहाँ तशरीफ ले आएगा, कोई हो? मुझे यकीन है इस बात पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काम अपना करो, काम करो, नारा लगाओ। क्या बात है, देखिए अल्लाह कबूल फरमाए। मैं दुआ दौलत की तो नहीं करूंगा, इतना जरूर करूंगा अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके में अपने महबूब की जियारत की तौफीक अता फरमा दे। ये हज बैतुल हकीम, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, फैजाने गौसे आजम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। तीन लोग हो चुके हैं, पंजतन पाक का मामला है, पांच लोग तो कम से कम होना चाहिए। अब एक शेर पढ़ता हूँ, सुनो। शेर सुनने के बाद दो कैंडिडेट आ जाएंगे इंशाल्लाह, मुलायजा करें। सुनो एक शेर सुने, हाजिर कर रहा हूँ। अरे चार हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर नारा लगाओ, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हुजूर नहीं में मिला, कितनी खुशी हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। और इंशाल्लाह अभी मोहतरम तैमे मिल्लत साहब आए हैं मस्जिद अल्लाह के घर के लिए, ये भी इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे अभी अभी, है ना। सुने 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 सुने, हाजिर करता हूँ, मुलायजा करें। हमें यार यहाँ तो मेहनत की कोई जरूरत ही नहीं। नारे तकबीर, यहाँ नारे रिसालत, हसीन भाई, मस्तके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मेहनत की कोई जरूरत नहीं लग रही हमको। यकीन मानिए दिल इतना खुश है शारी अनवार साहब, बल्कि हम सोच रहे थे कि सो के अपना मूड फ्रेश कर लेंगे, बल्कि यहाँ आके हमने अपना मूड फ्रेश कर लिया। इससे बड़ी क्या बात है ना। एक शेर सुने, हाजिर करूं करूं कि जुल्म सर पटक के मर गया, जुल्म सर पटक के मर गया, जुल्म सर पटक के मर गया, करबला ने जब ये दी सदा, जुल्म सर पटक के मर गया, करबला ने जब ये दी सदा, जुल्म सर पटक के मर गया, करबला ने जब ये दी सदा, करबला ने जब ये दी सदा, मुस्तफा तुम्हारे दीन की जिंदगी हसन हुसैन है, मुस्तफा तुम्हारे दीन की जिंदगी हसन हुसैन है।